हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे चैनल रंजीत रेडियम ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है हम आपके लिए नए नए स्टिकर लेके आते रहते हैं, उसी प्रकार फिर हम आपके लिए एक नया स्टिकर लेके आने वाले हैं। आज लेके आए हैं, ये कह सकते हो कि आज हम बताएंगे आपको एक नया स्टिकर बनाना। ये हमारे पास गाड़ी आई हुई, देख सकते हो साइन, इसको हम मॉडिफाई करने वाले हैं। इसमें हम कुछ स्टिकर्स बनेंगे, वो सभी स्टिकरों की वीडियो आपको हम देने वाले हैं आज, और उसके बाद कैसे कैसे बना सकते हो उस प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे ये शॉप है हमारी, देख सकते हो हम स्टिकर, सारे स्टिकर यहाँ पर लगे हुए हैं। हम इस पर नए नए स्टिकर बनाएंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे एक होंडा का स्टिकर हमने लगाया हुआ है इस प्रकार का, देख सकते हो ये लिखा है होंडा। इस पर अगल बगल दो स्टार भी बने हुए हैं, तो हम इसमें आपको ये होंडे का स्टिकर बनाने बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल पर नए हो तो नए वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली, और बेल आइकन दबाना ना भूल, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने लैपटॉप पर। तो ये देख सकते हो हमने लैपटॉप पे आ चुके हैं। लैपटॉप आने के बाद पहले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको होंडा का स्टिकर क्रोम या कोई ब्राउजर जो भी होगा आप उस पर होंडा डाल के उसको डाउनलोड कर लेना है। हमने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो हम डायरेक्ट इसको आपको ओपन करके बताने वाले हैं। तो पहले अपने फ्लेक्सी में जाते हैं। हम फ्लेक्सी में जाने के बाद देख सकते हो यहाँ हमने ये होंडा का स्टिकर यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो होंडा का स्टिकर डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये फ़ोटो है, मतलब फोटो डाउनलोड कर लिया हम, देख सकते हो ये फ़ोटो है नॉर्मली गूगल से हमने जो उठाया था इसको। अब इसको हम आपको रेडियो में कन्वर्ट कर बताने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिट मैप वाला, जो हम हर बार आपको बताते आ रहे हैं। ये बिट मैप पे गए, वेक्टराइज पे जाना है आपको, ये गलत दब चुका है हमसे, जो क्रॉस कर देते हैं हम। ये बिट मैप पे गए हम पहले, तो फिर इसके बाद वेक्टराइज पे गए, इस बाद यहाँ पे ब्रिजल ऑप्शन आया है, ब्रिजल इस पे गए, इस पे टच कर देना है। जैसे इस पे टच कर दोगे ये देख सकते हो ब्लैक हो चुका है। अब इसको उठाकर, इस हिस्से को उठाकर आपको साइड में रख देना है। यहाँ पे रख दिया हमने, ये फोटो अगल है और ये हमारा रेडियम का कन्वर्ट हो चुका है स्टिकर। तो फोटो वाले को आपको डिलीट कर देना है। फोटो वाले को डिलीट करने के बाद इसको आपको जमा लेना है, जैसे अभी उसमें दिखा रहा है ऊँचे की तरह ऊपर से नीचे तक पे इसको जमा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर का हिस्सा है इसका, ये नीचे का हिस्सा है। तो इसको हम ऐसे रख लेंगे, इसको यहाँ पे इसका इसको रख लेंगे इसकी यहाँ जगह पे, ये लंबा हो चुका है, इसको हम वापस वही को वही कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इसे हमने जीरो रख दी, इसको एन रख देना है आपको इस तरीके से, इसको डी रख देना है, गैप आपको सेम रखना है सभी में, कोई ऊपर नीचे या साइड में या कहीं भी अगल ना हो जाए, इसलिए आपको सभी सेम रखने हैं। ज़्यादा आपको कुछ कारस्तान इसमें नहीं करनी है, देख सकते हो यहाँ पे सभी चीज़ें जम चुकी हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमने होंडा स्टिकर ये बना लिया है। अब इसके हमको साइज दे देनी है, इसको सेलेक्ट कर लेना पूरे को, और साइज वाले बेल आइकन यहाँ ऊपर रहता है, देख सकते हो यहाँ पे ये रहा टूल रहता है, इसको टच कर देना है। टच करोगे साइज का पूरा मैटर आ जाता है, यहाँ पे साइज हमको देना है, ऊंचाई इसकी रहेगी हमारी, पहले चौड़ाई दे रहे हैं, चौड़ाई इसकी 1 इंची रहती है और ऊंचाई इसकी 6.5 6.5 रहती है। अरे आप छोटा देखने लगा है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आ गया हमारा स्टिकर, देख सकते हो यहाँ पे ये स्टिकर हमारा रेडी है। तो आपको फिर इसके बाद इस पर कट वाले ऑप्शन टच कर देना है, ये कट वाला ऑप्शन टच कर दिया, यहाँ पे साइज फिर चेक कर लेना एक बार, ये साइज सही आ रही है, ये खड़े में ही लगा हुआ है पहले से ही। तो एक खड़े में लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको खड़े में ही काटना है आपको। खड़े में काटने से पहले आपको मशीन पे चले जाना है, देख सकते हो यहाँ पे हम मशीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है मशीन को। इसमें आपको रेडियम लगा लेना है, जो इस कलर में भी आपको निकालना है, यहाँ पे हम रेड का उपयोग कर रहे हैं, तो रेड वाले रेडियम में हमने लगा दिया। और इसके बाद इसको सेंड वाले ऑप्शन पर टच कर देते हैं, जैसे ही सेंड वाले ऑप्शन टच करने होंगे हम, कि यहाँ पे देख सकते हो रेडियम स्टिकर यहाँ कटने लगता है आराम आराम, देख सकते हो ये हमारा बिगड़ गया, देख सकते हो यहाँ पे
हम इसको रोकते हैं और इसको पुनः फिर से स्टार्ट करने वाले हैं जिससे कि ख़राब ना हो। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा बिगड़ चुका है, हम इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं। ये हमने छोटा एरिया में इसमें लगाया हुआ है, आप बड़ा लगा सकते हो। तो फ्रेंड देख सकते हो हमने इसमें बड़ा रेडियम लगा दिया है। अब यहाँ पे हम सेंड का ऑप्शन टच करने वाले हैं। ये सेंड का ऑप्शन टच करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे अब कटिंग होने लगी है। तो आपको कुछ ज़्यादा बुक नहीं करनी है कोई एवडी। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत आसान तरीके से कटिंग हो रही है हमारे यहाँ। तो आपको कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से आपको स्टिकर को बनाना है और इसमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर यह देख सकते हो ये कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम आपको एक और स्टिकर काटेंगे इसी का, क्योंकि हम दोनों सॉकरों पे आगे लगाना है। अभी एक का बना है, अब एक का और बनने वाला है। तो हम इसको जमा लेते हैं खिसका कर, ये हमने खिसका लिया है। अब इसके बाद फिर से स्टैंड का ऑप्शन टच कर देते हैं। तो स्टैंड का ऑप्शन फिर से टच कर दिया हमने। यहाँ पर देख सकते हो कि एक और स्टिकर कटने लगा है उसी का, मतलब सेम रहने वाले हैं दोनों। तो ये हमारे दोनों बन चुके हैं। स्टार हमने पहले से ही लगा लिए हैं, निकाल लिए हैं। आप भी कुछ नहीं करना, आप गूगल से डाउनलोड कर लेना है कोई से भी स्टार, या आपकी फ्लेक्सी में खुद रहते हैं स्टार, उसमें वहीं से आते हैं स्टार लगे हुए, तो आपको उनको निकाल लेना है। इस प्रकार देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये स्टिकर कट चुका है। ये हम इसको निकाल के बताने वाले हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो हमने यहाँ पर कटर ले आए हैं, इसको हमको निकालना है। ये स्टिकर हमारे कट चुके थे, अब हमको इसको एक करके निकाल के बताने वाले हैं आपको। तो पहले आपको इसको इसकी मदद से इसको अगल बगल से इसमें थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेनी है, जिससे कि एक साथ निकालने में इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हम रेडियम की थोड़ी थोड़ी कटिंग कर ली है थोड़ी थोड़ी हिस्से में। इसके बाद हम इसको निकालने वाले हैं। तो आपको इसको आराम से निकालना है, कोई इसके मतलब कोई ज़्यादा जल्दी नहीं निकालनी, और वीडियो को इसके मत करिए जिससे कि आप कोई परेशानी या स्टिकर ख़राब कर लें, परेशानी में आ जाएँ, या फिर कोई स्टिकर आप ख़राब कर लें। इस प्रकार आप देख सकते हैं ए निकल चुकी है हमारी, इसको आप डी निकालने वाले हैं। आप ऊपर से चाहें तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे नीचे से निकाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहीं से भी इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी डी भी निकल कर कम्प्लीट हो चुकी है। इसके बाद एन आने वाला है, तो ये हमने एन पे टच कर दिया। तो फ्रेंड देख सकते हो हमने स्टिकर पूरा निकाल लिया है। हमने थोड़ी वीडियो स्किप कर दी, जैसे कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए हमने वीडियो स्किप कर दी और हमने इसको स्टिकर निकाल लिया। इसी प्रकार अब हम आपको एक और स्टिकर निकालने हैं आपको। ये हमने दो स्टिकर एक साथ बनाए थे, एक से दोनों सॉकरों के लिए। तो आपको इसको एक एक करके निकालना है। इस प्रकार हम देख सकते हो यहाँ पर एक और स्टिकर निकाल के बता रहे हैं। अभी एक निकाला था, अभी एक और देख सकते हो। इस प्रकार आप इसको बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने एक और निकाला है अभी, तो आप इसको भी निकाल लेना है। इसी प्रकार दोनों को निकालना है आपको, और आप जो भी जहाँ भी इस गाड़ी पे आपको लगाना है, हमने पहले ही आपको गाड़ी बता दी थी। हम यहाँ पर होंडा की साइन गाड़ी है हमारे पास, तो हम वो हमारे आई है यहाँ पर स्टिकर के लिए आएंगे। कुछ मॉडिफाई करना है हमको उनको, तो हम उसमें कुछ स्टिकर्स लगा रहे हैं, तो इसलिए हम स्टिकर को बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस प्रकार आप भी होंडा स्टिकर को निकालना है इस प्रकार से आपने को, और आपको इसे लगा लेना है। तो यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर रहे हैं, जिससे कि लंबी वीडियो ना हो। तो देख सकते हो दोस्तों हमने दोनों स्टिकरों को निकाल लिया है। स्टिकर निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, टैप ले लेना है। तो हम यहाँ पे टैप लेके आ रहे हैं। तो देख सकते हो हमने ये टैप ले लिया है। इस टैप को आपको स्टिकर पे लगा देना है इस तरीके से। तो हम यहाँ पे टैप लगा कर बताने वाले हैं आपको। तो देख सकते हो हमने एक स्टिकर पर देख सकते एक पहले स्टिकर पर हमने इसको टैप लगा दिया है। अब स्टिकर को हम उसको गाड़ी पर लगाएँगे इसको, और गाड़ी पर लगाने के बाद हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो हमने यहाँ पे एक स्टिकर यहाँ लगा दिया है होंडा का। देख सकते हो अभी टैप भी नहीं निकाला इसका हमने, और एक ये हमने अभी लगाया है, ये देख सकते हो ये वाला, इस पर टैप फटा दिया हमने, देख सकते हो। तो इस प्रकार आप स्टिकर बना सकते हो होंडा वाला। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार हम आपको और भी स्टिकर बताने वाले हैं आज, इसमें जो भी गाड़ी पे हम स्टिकर बनाएंगे सब स्टिकर हम आपको एक एक बाई एक वीडियो बनाकर बताने वाले हैं। तो आप भी इस पर अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिए, और वीडियो बना मतलब आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टिकर बनाना आप सीख सकते हो हमारी वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों मिलते हैं नई स्टिकर में एक नई वीडियो के साथ।